शुरुआत करेंगे, लेकिन एक जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे हाउसबोट फेस्टिवल 2021। गलती कर बैठा तू बाल कमाना का होगा। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ हाउसबोट फेस्टिवल। एक बार जोरदार वार्म ग्रीटिंग्स के साथ में प्लीज हमारे चीफ गेस्ट का आप स्वागत करें। लेट्स हैव अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। थैंक यू सो मच। उन्हीं के साथ साथ वी हैव डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट PMO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री मनोज सिन्हा जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट। सेरेमनी की जाती है कश्मीर में, बिफोर वी स्टार्ट एनी गुड वर्क तो वो कर लेते हैं यहाँ पर साथ साथ में, इस बन सेरेमनी कर लेते हैं हम लोग। ये एक ट्रेडिशनल सेरेमनी होती है कश्मीर में, जहाँ पर हम कभी भी कोई भी अच्छे काम की शुरुआत करें तो हम इस सेरेमनी का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। वी यूज द सेरेमनी, वी स्टार्ट एनीथिंग ब्यूटीफुल हैपनिंग विद दिस सेरेमनी कॉल्ड इस बन सेरेमनी। ट्रेडिशनल कश्मीरी सेरेमनी है ये, और आज इस हाउसबोट 2021 फेस्टिवल की शुरुआत भी हम इसी तरीके से करना चाहते हैं। इनॉग्रेट द हाउसबोट फेस्टिवल कश्मीर। तेरी रे गुजर है रवा रवा, तेरा बार
का नाम था कश्मीर प्रिंसेस, जो कि देव नारायण पंडित जी ने बनाया था। और उसके बाद आज 140 साल के बाद, पहले हाउस बोट बनने के 140 साल के बाद हम पहली बार यहाँ पर हाउस बोट फेस्टिवल बना रहे हैं। हाउस बोट सिर्फ कश्मीर के दिल में बसे ही नहीं है, जिसे हम अजमेर ऑफ कश्मीर बोलते हैं, यहाँ पर ये हेरिटेज फैसिनेटिंग प्रॉपर्टी भी बन चुकी है सारे फेवरेट फॉरेन टूरिस्ट के लिए। कश्मीर आज हम हाउस बोट फेस्टिवल बना रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हाउस बोट ही नहीं है, जो अपने खूबसूरत शिकारे देख रहे हैं, जो कि जितने भी हमारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनके टूर लिस्ट में नंबर वन पे आते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हाउस बोट की तरफ जाना हो तो दिस इज द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाउस बोट फेस्टिवल में हम सिर्फ कश्मीर के हाउस बोट ही नहीं, कश्मीर का कल्चर, कश्मीर की खूबसूरती, कश्मीर की मेहमान नवाजी, बहुत ही मन और मेहनत से बनाया गया वर्ल्ड फेमस कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट्स और कश्मीर के लोग, कश्मीर की प्योरिटी, उन सबको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बार जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे हाउस बोट फेस्टिवल 2021 का। अब मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और यहाँ पर पहली परफॉर्मेंस कश्मीर की तरफ से आप सब लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगी, जो कि है कश्मीरी फोक डांस, जिसे हम रॉफ कहते हैं। रॉफ तब बनाया जाता है जब बहुत सारी खुशियां होती हैं और सब लोगों के स्वागत में यहाँ पर जो रॉफ डांस है उसे प्रेजेंट किया जाता है। तो आप सब लोगों के स्वागत में और आपके यहाँ पर आने की खुशी में चलिए प्रेजेंट करते हैं रॉफ डांस। थैंक यू सो मच। ਕੰਨ ਕੰਨ ਖੱਟੀਆਂ ਬਜੋਨੇ ਡੰਬਰੂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਈ ਦਵਾਨੀ ਤੜਦੀ
Allah, 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 All
अब इसको बोलो आगे जाने के लिए, आगे हल्का हल्का आराम से लेकर तब उस मगर तेरी इंसान एज ए पियर लगे कि मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरे
मेरी बाहों में आ ओ जान ओ जान चाहते तू जो मिली एक दिन मुझे मैं कहीं हो गया लापता नजरों ने की सच कह रहा तेरी कसम तेरा बन लेंगे तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म तुझे कितना चाहने लगे हम तुझे कितना चाहने लगे हम Oh,
इंटरनेशनल टैलेंट है जिनका एल्बम ऑलरेडी बहुत हिट हो चुका है, राशिक भाई, मैं चाहता हूँ एक बार आप परफॉर्म मत करें लेकिन स्टेज पे जरूर आए। राशिक भाई प्लीज, राशिक जोरदार तालियां इनके लिए। और इनका जो एल्बम है आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लाखों में व्यूज है उसके। और ये हमारे राशिक भाई है, सिर्फ एक लाइन ताकि इन लोगों को भी पता लगे कि राशिक भाई कौन है। या कड़ी दस्तार करना स्मारे हमारे चने मदनो जिगरास उमर पारे हमारे चने मदनो। थैंक यू। Yeah.
चुप से लागा बेगाने ते हा इश्क चोरो इश्क करता देवान ते बनू नसी चुप से लागा बेगाने ते हा इश्क चोरो शम्मत मुपर त्राई लगी जारान दे शम्मत मुपर त्राई लगी जी मेरी अद सब्दू यकसान ते आश्क चूरो कश्मीर टूरिज्म द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और ये पूरे एक हफ्ते का इवेंट था जिसमें हेलो डिफरेंट प्लेसेस पे प्रोग्राम हुए और आज पिछले तीन दिन से नेहरू पार्क में भी प्रोग्राम हो रहा है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे शिकारे में भी हमारे मेहमान हमारे टूरिस्ट हैं वो भी आए और इस शाम को एंजॉय करें क्योंकि इसमें हम आपको कश्मीर के कल्चर के बारे में ज़रूर बताएंगे यहाँ पे हमारे जो सीनियर बहुत पुराने I'm not afraid to die.
कहाँ क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर है जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा इधर है दिल को इंतजार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर है जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। लम्हा मुझको ये तड़पाती है, जान मेरी जान जाती है, तन्हाइयों में रहता हूँ, खुद से ही अक्सर ये कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तेरा भी रहे दिल को इंतजार, क्यों चली आती है, क्यों तड़पाती है, क्यों हूँ अब भी मैं यूं बेकरार। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पे मुसाफिर है जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। Honors, we are serving this in 40s, 50s, 60s, 70s. Welcome, sir. Mr. Sia is the president of the Houseboat Owners Association. He is president of the Shikara Owners Association, sir. They have just set up a small history of the houseboat for you to see some of the remarks. गुजर का ये शाहकार इलाका झीलों की एक वादी है जिसकी खूबसूरती इंसान को जन्नत के नज़ारे दिखाती है। उन्नीसवीं सदी में जब बरतानवी सल्तनत पर सूरज कभी गरूब नहीं हुआ, महाराजा गुलाब सिंह जो उस वक्त जम्मू व कश्मीर के हुक्मरान थे, दूसरे ख्यालात रखते थे। महाराजा ने उन्हें यहाँ मकान तैमीर करने की इजाज़त नहीं दी। सैर व तफरी के दौरान उन्होंने ज़मीन के बजाय यहाँ पानियों पर घर बनाने का तसव्वुर पेश किया और इस तरह मेरा जन्म हुआ।
ढांचे बनाने के लिए कश्मीर के जंगलात से पायदार और बेहतरीन लकड़ी को चुना गया। देवदार लकड़ी के इन लंबे चौड़े तखनों पर काम किया गया। पेचीदा नक्श व निगार बनाने के लिए हुनरमंद कारीगरों की खदमात हासिल की गई। लंबी चोटियों के नीचे धीमा धीमा बहता हुआ दरियाए झेलम मेरा पहला घर है। विदेशी विजिटर्स देर तक मेरे इस खूबसूरत डेक पर बैठकर हसीन नजारे देखा करते। उन्होंने हम में से अक्सर को अंग्रेजी नाम भी दिए। चारों तरफ खूबसूरत नजारों से वो लुत्फ अंदोज होते रहे। देखिए, मैं ढल और निगीन झीलों की दीवारों पर दिलकश नक्श निगार वाली पेंटिंग की तरह लटकी हुई हूँ। बहुत से सैलानियों और नामवर शख्सियात ने मेरी तारीफ करते हुए मुझे कश्मीर का हमसर बना दिया। के पास से गुजरना हैरान कुन है। झील के किनारे दरख्तों की किसी से कभी न कभी कहीं न कभी।
दुनिया प्यार जिसे कहते हैं। कौन किस्मत वाले हैं जो लोग रहते हैं, मुझको मेरे दिल के वही चल, मुझको मेरे दिल मेरे दिल लेके वही चल। आए जहाँ हाथ कोई रेशमिया चल, किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। जाओ उस सीढ़ी के नीचे सो जाओ, इतनी सर्दी में मैं और कुछ नहीं कर सकता। देखो एक अंगीठी का बंदोबस्त कर दो। अच्छा दो रुपये और निकालो। पहले उनको तो मैंने निकाल सका। कौन है तू? क्या चाहिए? सुना है यहाँ कोई सेठ जी आए हैं, मुझे फूलों का बहुत शौक है। मगर हमें जो फूल चाहिए वो तेरे पास नहीं है। प्यार जिसे कहते हैं।